आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। अक्षय कुमार ने बुधवार को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक छोटे टीजर को रिलीज किया और फैंस को बड़ा सरप्राइज भी किया। उन्होंने न सिर्फ टीजर शेयर किया बल्कि पोस्ट कर जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह था फिल्म के टाइटल में किया गया थोड़ा सा बदलाव। दरअसल देश का नाम इंडिया से भारत रखने को लेकर चल रही बहस के बीच एक्टर ने भी इंडिया शब्द की जगह भारत कर दिया। दरअसल अक्षय कुमार के फिल्म का नाम पहले मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू था। अब एक्टर ने भारत बनाम इंडिया बहस के बीच अपनी इस फिल्म का नाम बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया है। फिल्म का छोटा सा टीजर जारी करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, 1989 में एक आदमी ने असंभव को हासिल किया। 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में मिशन रानीगंज के साथ भारत के सच्चे नायक की कहानी देखी। उन्होंने फैंस को यह भी बताया कि फिल्म का टीजर गुरुवार 7 सितंबर को जारी किया जाएगा। बता दें कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू साल 1989 में रानीगंज कोयला क्षेत्र में हुए रियल लाइफ घटना पर बेस्ड है। फिल्म में अक्षय कुमार दिवंगत जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने बाढ़ में फंसे सभी जीवित खनिकों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीनू सुरेश देसाई द्वारा निर्देशित मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का निर्देशन वासु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख और अजय कपूर ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परिणीति चोपड़ा, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, रवि किशन, शिशिर शर्मा समेत कई कलाकार नजर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।